गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. इन लास्ट प्रैक्टिकल वी डिस्कस द एक्सपेरिमेंट नंबर 39 एंड थ्योरी बिहाइंड एक्सपेरिमेंट नंबर 40. नाउ वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट नंबर 40 इन डिटेल. टू प्रिपेयर, इवेल्युएट एंड सबमिट टू एम्पूल्स ईच कंटेन 10 ml स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन IP. Now we discuss the formulation table as per the IP. First ingredient is water for injection and quantity given is 10. Now we prepare the 2 ampoules each contain 10 ml. हमको बनाना है 2 ampoules, ठीक है? 2 ampoule बनाना है, each contain 10 ml water for injection. But given formula में हमें 10 ml quantity given दी है, हमें 10 ml, ठीक है? तो first determine the factor. Factor formula is required quantity divided by quantity given. हमको required quantity कितनी चाहिए? 20 ml चाहिए, क्योंकि हमें 2 ampoule बनाना है, ठीक है? 2 ampoule बनाना है, तो हमें water for injection कितना चाहिए? टाइटल में ही दिया है, हमें 2 एम्पूल बनाना है एंड ईच एम्पूल कंटेन 10 ml वाटर फॉर इंजेक्शन. एक एम्पूल को 10 ml वाटर फॉर इंजेक्शन बनाना लगेगा, बट हमें 2 एम्पूल बनाना है, तो 2 एम्पूल के लिए हमें 20 ml लगेगा. तो वो हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, यानी कि 20 divided by 10 = 2. देन मल्टीप्लाई करेंगे हम गिवन क्वांटिटी से, क्वांटिटी टेकन निकालने के लिए, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारी 20 ml. Now we discuss the step-wise procedure of this experiment. Sterile water for injection IP is a single dose preparation in a container not larger than a 1 liter size. ये जो sterile water for injection है IP का, Indian Pharmacopoeia का, ये single dose preparation है. ये जो sterile water injection हम use कर रहे हैं IP, वो single dose container preparation है. Then not large than 1 liter size, और उसकी size होती है 1 liter के ज़्यादा उसकी quantity नहीं होती, ठीक है? Then sterile water for injection is free from all microbial contaminants and should be free from a pyrogen. ये जो water for injection है वो all microbial कॉन्टेमिनेंट से फ्री रहना चाहिए और फ्री फ्रॉम पायरोजन से भी फ्री रहना चाहिए, ठीक है? देन इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्टिकुलेट मैटर, फाइबर्स, डस्ट, पार्टिकल्स एक्सेट्रा. और जो वाटर फॉर इंजेक्शन है, स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, वो पर्टिकुलेट यानी कि पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, जस्ट एज अ डस्ट हो गया, फाइबर हो गया, अदर पार्टिकल्स हो गए, इससे भी वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है? देन बफल्स आर यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन टू अवॉइड द इंट्रैपमेंट ऑफ ड्रॉपलेट्स कैरिंग पायरोजन, अदरवाइज इट विल बी कॉन्टेमिनेटेड डिस्टिलेट, ठीक है? ये जो बफल्स है ये यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन. ये जब हम वाटर फॉर इंजेक्शन बनाते हैं तो हम बफल्स यूज़ करते हैं. क्यों बफल्स यूज़ करते हैं? क्योंकि वो अवॉइड करते हैं इंट्रैपमेंट ऑफ ड्रॉपलेट्स कैरिंग, जो इंट्रैपमेंट होते हैं ड्रॉपलेट्स के, वो अवॉइड करते हैं कैरिंग पायरोजन्स, अदरवाइज इट विल बी कॉन्टेमिनेटेड डिस्टिलेट, ठीक है? वो कैरिंग पायरोजन्स जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं, इंट्रैपमेंट अवॉइड करते हैं, एंड अदरवाइज इट विल बी कॉन्टेमिनेटेड डिस्टिलेट. अगर ऐसा नहीं किया, बफल्स ऐड नहीं किया, तो वो डिस्टिलेट को कॉन्टेमिनेटेड कर देगा, ठीक है? इसलिए हम बफल्स ऐड करते हैं. देन वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. वाटर फॉर इंजेक्शन इज अ डिस्टिल वाटर फ्री फ्रॉम पायरोजेंस. ये जो वाटर फॉर इंजेक्शन है ये एक डिस्टिल्ड वाटर है जो कि वो पायरोजेंस से फ्री फ्रॉम रहेगा, ठीक है? उसमें कोई भी कॉन्टेमिनेंट्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कोई पायरोजेंस प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कोई माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो फ्री फ्रॉम पायरोजेंस रहेगा, ठीक है? इट डज नॉट कंटेन एनी बैक्टेरियासाइट एंड और बैक्टेरियोस्टैटिक एजेंट, ठीक है? हमने थ्योरी में दोनों की डेफिनेशन देखी है, ठीक है? तो ये बिल्कुल कंटेन नहीं करेगा बैक्टेरियासाइट एंड बैक्टेरियोस्टैटिक एजेंट, ठीक है? ये दोनों कंटेन नहीं करेगा. इट डज नॉट कंटेन एनी बैक्टेरियासाइट एंड बैक्टेरियोस्टैटिक एजेंट. देन इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन यूजिंग अ बैफल्स
स्टील और मे बी प्रिपेयर्ड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये जब हम बनाते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन तो ये प्रिपेयर करते हैं बाय डिस्टिलेशन यूजिंग अ बैफल्स, बैफल्स का यूज़ करते हैं, या तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस से भी ये प्रिपेयर की जा सकती है। ठीक है, When it is prepared by distillation, the first option of distillate is discarded and remaining portion is collected. ठीक है, हम distillation method से water for injection बना रहे हैं इस experiment में, तो first हम क्या करेंगे, जब हम बना रहे prepared कर रहे हैं distillation, तो जो first portion है distillate का वो discard करेंगे, then remaining जो portion है वो collect करेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस का भी हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, जो स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट थे वो प्रीवियस में पूरी प्रोसेस हमने देखी है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, कैसे करते हैं, वन पोर्शन उसका क्या होता है, सेकंड पोर्शन में क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन हम डिस्कार्ड कर लेंगे, देन सेकंड पोर्शन हम कलेक्ट कर लेंगे, देन फील वाटर फॉर इंजेक्शन इन टू 210 ml एम्पुल्स। ये जो वाटर फॉर इंजेक्शन है ये दो एम्पुल में 10 ml हमें फिल करना है, देन सील द एम्पुल्स यूजिंग अ बर्नर एंड फोरसेप, वो एम्पुल जो हमने फिल किए वो सील करना है विद द हेल्प ऑफ बर्नर एंड फोरसेप से, देन स्टरलाइज द एम्पुल्स यूजिंग अ ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेल्सियस 15 IBPS प्रेशर फॉर 13 मिनट्स। ठीक है, ये जो एम्पुल्स हमने बनाए हैं वो हमें 30 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेविंग के लिए रखना है फॉर स्टरलाइजेशन के लिए, तो उसका टेम्परेचर होगा 121 डिग्री सेल्सियस और उसका प्रेशर होगा 15 IBPS। ठीक है, देन ऑब्जर्व द एम्पुल्स फॉर अ पर्टिकुलेट मैटर एंड देन फाइनली ऑब्जर्व एम्पुल्स को ऑब्जर्व करना है फॉर पर्टिकुलेट मैटर्स, उसमें दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 40। तो क्या क्या किया हमने, सिंपली हमें वाटर फॉर इंजेक्शन बनाना है, दो एम्पुल्स बनाने हैं इसके, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, डिस्टिलेशन मेथड से हमें बनाना है, तो जो डिस्टिलेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो जो फर्स्ट पार्ट है डिस्टिलेट का वो डिस्कार्ड कर लेंगे और सेकंड पार्ट है वो कलेक्ट कर लेंगे, जो सेकंड पार्ट है वो हम दो एम्पुल में फिल करेंगे 10 ml, देन उसको वो एम्पुल को सील करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर एंड फोरसेप से, देन उसको स्टरलाइज करेंगे एट 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 IBPS प्रेशर फॉर 30 मिनट्स के लिए, एंड फाइनली इट इज़ अ सबमिटेड। देन उसका डोज है नो स्पेसिफाइड डोज सिंस इट इज़ यूज एज अ व्हीकल, वाटर फॉर इंजेक्शन का कोई डोज नहीं है, वो यूज एज अ व्हीकल यूज होता है और उसकी कैटेगरी है फार्मास्यूटिकल एड। देन स्टोरेज है स्टोर इन अ सिंगल डोज कंटेनर नॉट लार्जर दैन 1 लीटर साइज, ये सिंगल डोज कंटेनर में स्टोर की जाती है और उसका साइज होता है नॉट लार्जर दैन 1 लीटर। ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 40, दैट इज टू प्रिपेयर इवेल्युएट एंड सबमिट 2 एम्पुल्स ईच कंटेन 10 ml स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, एंड लास्ट वी राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट इज अ एक्सपेरिमेंट नंबर 41 टू प्रिपेयर इवेल्युएट एंड सबमिट 2 एम्पुल्स ईच कंटेन 10 ml सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन IP। लास्ट प्रैक्टिकल में हमने वाटर फॉर इंजेक्शन देखा था, अब हम सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द फार्मुलेशन टेबल। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज सोडियम क्लोराइड IP एंड क्वांटिटी गिवन इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम एंड स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन क्वांटिटी सफिशियंट। ठीक है, तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम हमें सोडियम क्लोराइड लेना है, तो उसके लिए ये फार्मूले ये जो क्वांटिटी है सोडियम क्लोराइड की ये 100 ml के लिए है, बट हमें 20 ml बनाना है। ठीक है, 2 एम्पुल्स बनाने हैं 10 ml का ईच होगा, तो हमें 20 ml के लिए बनाना है, तो 20 ml के लिए हमें क्वांटिटी टेकन निकालनी पड़ेगी, और क्वांटिटी टेकन निकालने के लिए फर्स्टली वी डिटरमाइन द फैक्टर, सो फैक्टर फार्मूला इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन
रिक्वायर्ड क्वांटिटी है हमारी 20 एंड गिवन क्वांटिटी है हमारी 100. सो फैक्टर डिटरमाइन इज 0.2, देन फैक्टर इनटू क्वांटिटी गिवन हम करेंगे और उसका आंसर नियर अबाउट 0.180 mg आएगा. तो हमें सोडियम क्लोराइड लेना है 0.18 mg. ठीक है, नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन IP इज अ स्टराइल पायरोजन फ्री आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ वाटर फॉर इंजेक्शन IP. ये जो सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन IP हम बना रहे हैं ये स्टराइल होना चाहिए, पायरोजन फ्री होना चाहिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए सोडियम क्लोराइड इन अ वाटर फॉर इंजेक्शन का, और इट कंटेन नॉट लेस देन 0.85% वेट बाय वॉल्यूम एंड नॉट मोर देन 0.95% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड. इट कंटेन नो एंटी माइक्रोबियल एजेंट. और ये जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वो 0.85% वेट बाय वॉल्यूम का से लेस नहीं होना चाहिए और मोर देन 0.95% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड के मोर नहीं होना चाहिए, और इट कंटेन अ नो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और वो फ्री फ्रॉम रहना चाहिए, पूरी तरह से स्टराइल रहना चाहिए, फ्री फ्रॉम पायरोजन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी उसमें प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए. देन वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. वे एक्यूरेटली रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इट इन अ वाटर फॉर इंजेक्शन. ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्टली सोडियम क्लोराइड की वैल्यू वे करनी है जो हमने निकाली है क्वांटिटी टेकन में. ठीक है, देन उसके बाद डिजॉल्व करना है वाटर फॉर इंजेक्शन में. देन फिल्टर द सोल्यूशन थ्रू सिंटर ग्लास फिल्टर. देन ये सोल्यूशन जो है वाटर फॉर इंजेक्शन एंड सोडियम क्लोराइड का ये सिंटर ग्लास फिल्टर से फिल्टर करना है. देन फिल द सोल्यूशन इन एम्पूल्स विद द हेल्प ऑफ सीरिंज टेकिंग प्रिकॉशन टू मिनिमाइज बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन. ठीक है, देन क्या करना है, ये जो सोल्यूशन है वाटर फॉर इंजेक्शन और सोडियम क्लोराइड का वो एम्पूल में फिल करना है विद द हेल्प ऑफ सीरिंज से, एंड प्रिकॉशन टेक करना है यानी कि टेकिंग अ प्रिकॉशन टू मिनिमाइज अ बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन. बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन मिनिमाइज हो, उसका कॉन्टेमिनेशन ज़्यादा नहीं हो, यानी कि कोई भी कॉन्टेमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये प्रिकॉशन लेते हुए हमें वो एम्पूल्स फिल करना है विद द हेल्प ऑफ सीरिंज से. देन अल्टरनेटिवली द सोल्यूशन मे बी फिल्ड इन अ क्लीन ड्राई इन्फ्यूजन बॉटल अप्रॉक्सीमेटली 500 ml कैपेसिटी एंड रबर बंग is used to close the infusion bottles. ठीक है, देन अल्टरनेटिवली क्या करना है, हमें फिल करना है, अल्टरनेटिवली द सोल्यूशन में फिल करना है इन अ क्लीन ड्राई इन्फ्यूजेबल बॉटल में. देन रबर बंग इज यूज टू क्लोज द इन्फ्यूजन बॉटल. ये जो इन्फ्यूजन बॉटल में हमने फिल किया है वो रबर बंग से हमें क्लोज करना है. एंड लास्टली बॉटल आर देन प्लेस इन ऑटोक्लेव. देन जो बॉटल्स हमने फिल की है वो प्लेस करनी है ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 IBP प्रेशर फॉर 30 मिनट्स के लिए हमें ऑटोक्लेव करना है. देन लास्टली सबमिटेड द बॉटल्स एंड लास्ट वी राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 41 टू प्रिपेयर इवैल्यूएट एंड सबमिट टू एम्पूल्स ईच कंटेन 10 ml सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. टू प्रिपेयर इवैल्यूएट एंड सबमिट टू एम्पूल्स ईच कंटेन 10 ml डेक्सट्रोज इंजेक्शन IP सिनोनिम डेक्सट्रोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ग्लूकोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन. ये जो डेक्सट्रोज इंजेक्शन है उसको इसको दो सिनोनिम से, फर्स्ट इज अ डेक्सट्रोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन एंड सेकंड इज अ ग्लूकोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन. नाउ वी डिस्कस द फार्मुलेशन टेबल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट इन्ग्रेडियंट इज डेक्सट्रोज IP 5 ग्राम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन quantity sufficient to produce, that is the 100 ml. Now ये 100 ml के लिए दिया है, but हमें two ampoules बनाने हैं तो 20 ml water for injection लगेगा हमें, तो वो हो गई हमारी 20 ml required quantity.
तो फर्स्ट वी डिटरमाइन द फैक्टर दैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन. सो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी रहेगी 20 एंड क्वांटिटी गिवन रहेगी 100. जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो हमें मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी गिवन से और हमारी क्वांटिटी टेकन डिटरमाइन हो जाएगी. नाउ वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. डेक्सट्रोज इंजेक्शन IP इज अ स्टराइन पायरोजन फ्री आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज इन वाटर फॉर इंजेक्शन. ये जो डेक्सट्रोज इंजेक्शन है IP ये स्टराइल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पायरोजन आइसोटोनिक सोल्यूशन होना चाहिए. देन डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज यूज एज अ न्यूट्रिएंट एंड फ्लूइड रिप्लेनिशर फॉर अ पेशेंट हु कैन नॉट टेक अ फूड बाय माउथ. ये जो डेक्सट्रोज इंजेक्शन होते हैं, डेक्सट्रोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो होता है वो एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं. फ्लूइड रिप्लेनिशर जिसको डिहाइड्रेशन हुआ है या तो फिर पेशेंट जो कुछ भी फूड इंटेक नहीं कर रहे तो ऐसे पेशेंट को हम डेक्सट्रोज इंजेक्शन देते हैं. डेक्सट्रोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं. ठीक है, इट इज़ अवेलेबल इन अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन 5%, 10%, 25% एंड 50%. ये जो डेक्सट्रोज इंजेक्शन का कॉन्सेंट्रेशन है ये डिफरेंट है. 5% में भी प्रेजेंट रहेगा, 10% में भी प्रेजेंट रहेगा, 25% में भी प्रेजेंट रहेगा एंड 50% में भी प्रेजेंट रहेगा. देन द सोल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली and hence it has to be isotonic with a plasma having the same osmotic pressure as a plasma. ठीक है, ये जो solution होता है dextrose intravenous infusion का ये administered करते हैं intravenously. ठीक है, intravenously इसे administered करते हैं. then इसीलिए वो आइसोटोनिक विथ प्लाज्मा हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द प्लाज्मा. ठीक है, वो आइसोटोनिक हो जाता है विथ प्लाज्मा के साथ एंड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर है एज दैट ऑफ सेम एज ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है. ठीक है, देन वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. वे एक्यूरेटली रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज हमें वे करना है. देन डिजॉल्व डेक्सट्रोज इन वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन में हमें डेक्सट्रोज डिजॉल्व करना है. देन फिल्टर द सोल्यूशन थ्रू सुटेबल फिल्टर टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर. ठीक है, देन जो सोल्यूशन है डेक्सट्रोज एंड वाटर फॉर इंजेक्शन वो हमें फिल्टर करना है इन अ सुटेबल फिल्टर से. देन फिल्टर द सोल्यूशन फाइनली थ्रू अ सिंटर ग्लास फिल्टर टू रिमूव अ बैक्टेरियल कॉन्टेमिनेशन. देन फाइनली हमें सिंटर ग्लास फिल्टर से हमें फिल्टर करना है टू रिमूव द बैक्टेरियल कॉन्टेमिनेशन. देन फिल द सोल्यूशन इन अ स्टराइल एम्पूल्स विद द हेल्प ऑफ सीरिंज टेकिंग प्रिकॉशन टू मिनिमाइज द बैक्टेरियल कॉन्टेमिनेशन. ठीक है, ये जो सोल्यूशन है फिल्टर होने के बाद जो सॉल्यूशन है वो फिल करना है एम्पुल्स में विद द हेल्प ऑफ सीरिंज से. देन अल्टरनेटिवली द सॉल्यूशन मे बी फिल्ड इन अ क्लीन ड्राई इन्फ्यूजन बॉटल. एंड अल्टरनेटिवली हमें एक क्लीन ड्राई इन्फ्यूजन बॉटल में भी ये सॉल्यूशन फिल करना है अप्रॉक्सीमेटली 500 ml कैपेसिटी. उसकी कैपेसिटी होगी 500 ml तक उसकी कैपेसिटी होगी. एंड रबर बैंक इज यूज टू क्लोज द इन्फ्यूजन बॉटल. देन रबर बैंक इज ये यूज़ किया जाता है टू क्लोज द बॉटल के लिए. देन टर्मिनल स्टरलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन इज डन बाय ऑटोक्लेविंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 121 degrees Celsius 15 PSI प्रेशर फॉर 20 to 30 minutes. देन ये जो सोल्यूशन है बॉटल इन्फ्यूजन बॉटल में का वो स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेविंग में रखेंगे हम फॉर 20 to 30 minutes. उसका टेम्परेचर रहेगा 121 degrees Celsius एंड प्रेशर रहेगा 15 PSI. देन ये जो यूजुअल स्ट्रेंथ होती है इसकी वो होती है 5% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम, 25% वेट बाय वॉल्यूम एंड 50% वेट बाय वॉल्यूम. और उसकी कैटेगरी है न्यूट्रिएंट एंड फ्लूइड रिप्लेनिशर. देन स्टोरेज स्टोर इन अ सिंगल डोज कंटेनर इन अ कूल प्लेस. ये स्टोर करना है हमें सिंगल डोज कंटेनर में एंड स्टोर करके रखना है इन अ कूल प्लेस में. ठीक है, एंड लास्टली वी राइट डाउन द
रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 42, दैट इज प्रिपेयर इवेल्युएट एंड सबमिट टू एम्पूस ईच कंटेन 10 ml डेक्सट्रोजिन इंजेक्शन IP। इन नेक्स्ट प्रैक्टिकल वी डिस्कस द एक्सपेरिमेंट नंबर 43। थैंक यू।